please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के पालघर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली के मंच पर रखी शिवाजी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई। वहां लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी के बहाने केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना पर निशाना साधा और किसी का नाम लिए बगैर शिवसेना पर बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के अंचल के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को कभी माफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बाल ठाकरे की तारीफ करते हुए शिवसेना पर उनकी परंपरा को कलंकित करने का भी आरोप लगाया। बाला साहब ठाकरे ने कभी पीठ पर छोरा घोंपने का कार्य नहीं किया। योगी के वार पर शिवसेना ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और हार की आशंका से घबराई बीजेपी पर बाहरी लोगों की मदद लेने की दलील दी। उम्मीदवार स्वतः नहीं, प्रचाराला माणसं स्वतःची नाहीत, प्रचाराला सुद्धा बाहेरनं माणसं बोलवावी लागतात, उत्तर प्रदेशची माणसं बोलवावी लागतात। शिवसेना ने बीजेपी पर पालघर के पूर्व सांसद चिंतामण वनगा के परिवार की अनदेखी का भी आरोप लगाया। जिनके निधन की वजह से खाली हुई पालघर लोकसभा सीट पर 28 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और शिवसेना के बीच जबानी हमले तेज हो गए, क्योंकि शिवसेना ने पालघर में बीजेपी सांसद रहे चिंतामण वनगा के बेटे श्रीनिवास वनगा को अपना उम्मीदवार बना दिया, जो बीजेपी का दामन छोड़ पूरे परिवार समेत शिवसेना में शामिल हो गए। बीजेपी ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल बताया और शिवसेना पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। इसके बाद बीजेपी को आदिवासी नेता राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। जम्मू बस अड्डे पर रात के वक्त जुटे कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों का गुस्सा बस अड्डे के पास हुए ग्रेनेड हमले के बाद भड़का, जिसमें दो पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों को पुलिस ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रेनेड हमले को आतंकियों की साजिश बताते हुए लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। भीड़भाड़ वाली जगह पर हुए धमाके से लोगों में खासी नाराजगी दिखी और उन्होंने राज्य सरकार पर सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया। सरकार जो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के बोल रही थी, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। घटना के चश्मदीदों ने दावा किया कि हमले को कुछ आतंकियों ने अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने बिना जांच के कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घटना के बाद जम्मू बस अड्डे और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारी भी जांच में जुट गए। घटना के चश्मदीदों ने दावा किया कि कुछ संदिग्ध आतंकियों ने पास के ही फ्लाईओवर से पुलिस टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। जम्मू बस अड्डे पे आज ग्रेनेड अटैक हुआ है, आतंकियों ने एक ग्रेनेड दागा है। ये वो इलाका है जहाँ से फ्लाईओवर ऊपर की तरफ से निकलता है, वहाँ से एक ग्रेनेड थ्रो किया गया था। हमले की बात पुलिस ने भी मानी, लेकिन घटना में आतंकियों की भूमिका जांच के बाद ही साफ होने की बात कही। हमारे कुछ दो जवानों को स्प्लिंटर इंजरीज भी आई हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रेनेड। बस अड्डे के पास हुए इस ग्रेनेड हमले में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, वहीं हमले में घायल दोनों जवानों की हालत में भी सुधार बताया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करते हुए ट्विटर पर कसरत करने का एक वीडियो अपलोड किया। साथ ही विराट कोहली ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिटनेस चैलेंज दे दिया। लेकिन इससे पहले विराट कोहली ने ट्विटर पर अपना एक मोबाइल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिले फिटनेस चैलेंज को पूरा करते नजर आए। हेलो सर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, सो हियर इज माय फेवरेट कोर वर्कआउट। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 विराट कोहली ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी समेत तीन लोगों को फिटनेस चैलेंज दिया। उन्होंने लिखा, मैंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महेंद्र सिंह धोनी भाई को चुनौती देना चाहूंगा। विराट कोहली की चुनौती का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, विराट तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मैं जल्द ही अपने फिटनेस चैलेंज का वीडियो शेयर करूंगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी फिटनेस पर जोर देने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो कसरत करते हुए लोगों से फिट रहने की अपील करते नजर आए और फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? एक वीडियो बनाइए, पिक्चर खींचिए और सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। राज्यवर्धन राठौड़ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और अभिनेता ऋतिक रोशन को भी फिटनेस चैलेंज दिया, जिसके बाद साइना नेहवाल ने चुनौती स्वीकार करते हुए जिम में वजन उठाकर एक्सरसाइज करने का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी फिटनेस चैलेंज कबूल करते हुए मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। Stay fit India. चैलेंज पूरा करने के बाद ऋतिक रोशन ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ को भी चुनौती दी। ऋतिक सर, I accept your challenge and here's a little basic fundamental move I do to keep myself functionally fit.
बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी जिम में एक्सरसाइज करने का एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने साइना नेहवाल से मिले फिटनेस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक कुर्सी पर बैठकर कसरत करते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं जब भी प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ तो दिन रात बिना ब्रेक लिए देश के लिए काम करते रहते हैं। उससे प्रेरित होकर हम एक प्रोफेशनल रहे, ऑफिस में कहीं भी रहे, हम फिट रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों को एक्सरसाइज पर कुछ जरूरी सलाह भी दी। हम पुशअप नहीं करते, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करते हुए आराम से, आराम से 10, 12, 15 किरेन रिजिजू ने यह वीडियो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें जयंत सिन्हा ने अपने दफ्तर में योग करते हुए लोगों से फिट रहने की अपील की थी। फिट होने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं। सोशल मीडिया पर हैशटैग हम फिट तो इंडिया फिट लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जज एजेंसियों की गिरफ्त में आए पाकिस्तान के जिंदा आतंकी जबीउल्लाह ने पूछताछ में कबूल किया कि लश्कर के कैंपों में उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो हाफिज अमान 2018 में बर्फानी क्लास हुई, बर्फानी क्लास में हमें बर्फों में रहना सिखाया कि बर्फ में रहना, चलना, सारा सामान हमारे पास वो बर्फानी का था, बर्फों का। और उसके बाद GPS वायरलेस, इसकी हमें दोबारा से प्रैक्टिस करवाई, और निशानाबाजी, फायर, ब्रस्ट फायर भी करवाई, आड़ में फायर करना भी सिखाया। ये 2 महीने हमारी जो मुजफ्फराबाद KFC में बर्फानी क्लास चली, ये KFC कैंप है मुजफ्फराबाद में, KFC लश्कर का, और इसमें लश्कर की फिदाइन ट्रेनिंग भी होती है। रेल हादसों के मामले में मार्च 2017 में खत्म हुआ साल बेहद खराब रहा। 2010 के बाद से रेल हादसों में सबसे ज्यादा मौत इसी साल हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी यह खबर के मुताबिक कारोबारी साल 2016 में कुल 103 रेल हादसे हुए, जिनमें 195 लोगों की मौत हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा हादसे रेलों के पटरी से उतरने के रहे। कुल 103 हादसों में 77 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुए। 20 हादसे ऐसे हुए जब क्रॉसिंग पर ट्रेन किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 5 हादसे ऐसे हुए जब दो ट्रेनें आपस में ही टकरा गई। इनमें कुछ मामले ऐसे भी रहे जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ गई। तो एक हादसा ट्रेन में आग लगने की वजह से हुआ। हैरानी की बात यह कि इनमें 64 हादसे यानी करीब 2/3 हादसे ह्यूमन एरर यानी रेलवे के स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुए। 22 हादसे ऐसे रहे जिनमें रेलवे के स्टाफ या रेलवे की तकनीक का कोई दोष नहीं था, बल्कि किसी और की गलती से ऐसा हुआ। केवल 2 हादसे ऐसे रहे जिनमें रेलवे की मशीनरी या किसी कलपुर्जे के खराब होने को वजह माना गया। ये रिपोर्ट मार्च 2017 तक की है, फिर भी दावा किया गया है कि 4 हादसों के कारण की जाँच अब तक जारी है। इससे पहले 2010 में 235 लोगों की जान रेल हादसों में गई थी, लेकिन उसके बाद रेल हादसों में कमी आई। 2011 में रेल हादसों में 100 लोगों की मौत हुई, 2012 में 60 लोगों की जान रेल हादसों में गई, तो मार्च 2013 में साल जो खत्म हुआ ये गिनती और कम होकर केवल 42 पर पहुंच गई। 2014 में यह आंकड़ा फिर बढ़ गया और 118 लोगों की जान रेल हादसों में हुई, और 2015 में यह आंकड़ा सबसे छोटा रहा। इस दौरान रेल हादसों में 40 लोगों की जान गई। आतंकी जबीउल्लाह ने पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि कबूल किया है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी जबीउल्लाह के मुताबिक आतंक की ये ट्रेनिंग दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और लखवी जैसे लोग कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग दौरा खास की मुजफ्फराबाद में हुई और वो दक्कन में हुई। उसी दौरान जकी रहमान लखवी आए और उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया मैदान में और पूछा कि भाई कोई किसी का कोई सवाल हो, तो सारे तो एक दूसरे की तरफ देखते रहे, किसी ने सवाल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको नसीहत करता हूँ। उन्होंने हमें नसीहत की कि आपकी ट्रेनिंग है, सख्त है, इसमें किसी ने भागना नहीं और इस्तकामत से डटे रहना, और इंशाल्लाह इसके बाद हम कश्मीर में जिहाद करेंगे। इसके बाद वो चले गए और उसके बाद फरवरी और मार्च 2017 हमारा दौरा अम्बोर, मेरा दौरा ख़ास, उधर हाफिज सईद आए और वो लश्कर वालों से मिले और उसके बाद वो चले गए और हम भी उनसे मिले। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर सिर्फ चुनाव के समय देश में रहने और बाकी वक्त विदेश यात्रा पर होने का आरोप लगाया। यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार कंवर हसन ने RLD का दामन थाम लिया। यूपी में जहरीली शराब कांड के आरोप में भाई रामबीर की गिरफ्तारी से खफा पूर्व डकैत सीमा परिहार ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर हथियार उठाने की धमकी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड में एम्स का शिलान्यास करेंगे। एम्स की जो घोषणा सरकार ने की थी तो उसका अब शुभारंभ होने जा रहा है। वेतन न मिलने से नाराज एनडीएमसी के कर्मचारियों पर संसद भवन के पास और रेल भवन गोल चक्कर पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगा। चीन ने मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि उसने पाकिस्तान को आतंकी हाफिज सईद को किसी दूसरे देश भेजने की सलाह दी थी। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पेटा की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। शिल्पा शेट्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर चैरिटी का एक वीडियो शेयर करने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने सलमान खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म लव रात्रि के नाम पर एतराज जताते हुए रिलीज का विरोध करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सिर पर मटका लिए कई महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इन सभी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला और बीच सड़क पर ट्रैफिक जाम कर प्रदर्शन किया। टक्कर में प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने की जो भीड़ के बीच एक गाड़ी में सवार थे। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता निगम कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंचे और गेट के बाहर से ही मटकों को अंदर फेंकना शुरू कर दिया। कमिश्नर दफ्तर के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और आखिर में प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम करने समेत कई और मांगे भी शामिल थी। केंद्र सरकार के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की और निगम दफ्तर पहुंचने से पहले एक सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद शहर के बीचों बीच साइकिल और बैलगाड़ी में रैली निकाली गई और सारे कार्यकर्ता एक जगह जमा हुए। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जाते तो उस संबंध में भी एक बड़ा आंदोलन हम रीवा जिला में करेंगे। कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई को कम नहीं किया तो वो इस मुद्दे पर देश भर में आंदोलन करेगी। बेंगलुरु में कांग्रेस के साथ दिल्ली के सीएम की करीबी पर आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर उठे। एचएस फुल्का ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगों का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने पर इस्तीफा देने की धमकी दी। अगर पार्टी किसी तरह का अलायंस करती है तो मैं उसी टाइम पार्टी से इस्तीफा दूंगा। एनएचआरसी को तमिलनाडु की तूतुकुड़ी हिंसा की जांच करने का निर्देश देने समेत राज्य सरकार और पुलिस से हिंसा की रिपोर्ट मांगने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। विकास यात्रा के दौरान धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि अपने विकास विरोधी एजेंडे की वजह से कांग्रेस आने वाले और 15 साल सत्ता से बाहर रहेगी। 15 साल उन्होंने विकास का विरोध किया इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले 15 साल में उनकी यही स्थिति होनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। फिल्म निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। दुनिया का चक्कर लगाकर लौटने वाली आईएनएस तारिणी के महिला दल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जिसकी 28 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल परीक्षा में दाखिल के लिए नीट पास करने वाले छात्रों की सूची 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर जारी करने का आदेश देते हुए मेडिकल के पीजी कोर्स के लिए काउंसलिंग की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी। मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद लोगों ने ऋतिक रोशन को रोड सेफ्टी नियमों की नसीहत देते हुए ट्रोल किया।